अमित शाह जी का बात को दूध भात में लिया कीजिए, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं। उसके अतिरिक्त इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं, जहां बिहार के झंझारपुर में गृह मंत्री लाखों लोगों को संबोधन किया, बिहार सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार सरकार बिहार में विकास नहीं जंगल राज 2 का विस्तार कर रहा है, दरभंगा एम्स नहीं बनने दे रहे हैं, इत्यादि कई जवाबों से गृह मंत्री ने बिहार सरकार को घेर लिया और उन पर जमकर हमला बोला। इसी को करारा जवाब देते हुए जदयू के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने गृह मंत्री को करारा जवाब देते हुए क्या कहा, हम आपको उनका इंटरव्यू सुनाते हैं। खबर को पूरा देखें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं बिहार का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। आज गृह मंत्री झंझारपुर में आए हैं और महागठबंधन पर आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में विकास नहीं जंगल राज 2 का जो है विस्तार कर रहे हैं। वो तो सनातन धर्म के बड़का ठेकेदार हैं, गीता पर हाथ रखे थे नहीं न रखे, सिर्फ झूठ बोले होंगे। आप देखे होगा कि जब लखीसराय में आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि मुंगेर में मैंने मेडिकल कॉलेज बना दिया, उन्होंने कहा कि मैंने मुंगेर में इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया, एक भी पैसा लगा था, राज्य सरकार अपने पैसे से बनाया था और वो कहते हैं वो हम बनाए। इसलिए उनके बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया कीजिए। अपने लोगों में कहावत है कि दूध भात, तो अमित शाह जी का बात को दूध भात में लिया कीजिए, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं, उसके अतिरिक्त नहीं बोलते हैं। उनके जो नेता जो हैं प्रधानमंत्री जी कहते हैं दरभंगा में एम्स बन गया, ऊपर इतना ही नहीं लोकसभा के पटल पर वो जवाब देते हैं कि दरभंगा के एम्स से कैंसर का इलाज प्रारंभ हुआ। अगर आपको भरोसा नहीं हो तो मैं आपको अभी ही आपके व्हाट्सएप पर वो कागज भेज देता हूँ। इसलिए वो झूठा पार्टी है, इसलिए वो दूध भात है, उस पर दया आनी चाहिए। और जब तक वो गीता पर हाथ रख करके नहीं बोलेगा उसकी बात पर ध्यान नहीं। एक आरोप और लगा रहे हैं कि जदयू आरजेडी में जो है पानी और तेल की तरह मेल नहीं हो सकता, इस पर क्या कहना चाहते हैं? वो चिंतित है, नहीं मेल है तो अच्छा ना है, वो काहे चिंतित है? वो 24 में देख रहे हैं कि हमारी हार हो रही है, इसलिए वो परेशान है, समझे ना। झंझारपुर में कह रहे हैं 24 में जो है बीजेपी के खाते में जाएंगे, नीतीश कुमार सपना छोड़ दे, काहे चिंता तय, वो भी कहते हैं नीतीश कुमार का भूत उनको खदेड़ रहा है। जो पहले इंडिया जीतो फलना जीतो इंडिया फलना इंडिया, अब इंडिया नाम से उनको चिर रोने लगी है। इसलिए आप निश्चिंत रहें कि वो लोग 24 में बहुत जबरदस्त पटकनी खाएंगे। और दरभंगा एम्स पर भी एक बात बोला है कि 81 एकड़ जमीन जो है पहले बिहार सरकार दी थी, फिर कुछ दिन के बाद वापस ले लिया, मतलब नीयत साफ नहीं है महागठबंधन सरकार को कि दरभंगा में एम्स बने। ठीक है, हमारा नीयत नहीं साफ है तो उनका क्या है, हम जो दिए हैं प्रस्ताव सजरावा सिलेक्शन अति कर दें उसको, तो फिर बोले हैं कि जो जमीन के लिए दिए हैं उसको जनता को कम से कम दिखावे कि सही जमीन है या गलत जमीन। उनको है। नहीं आइडिया है, वो तो हवाई जहाज पर उड़ते हैं, कहे ना गीता पर हाथ नहीं रखे थे, आकर देख लिए। और आप तो पत्रकार बिरादरी से आते हैं ना, जाकर के घूम करके एक एक जनता से पूछ लीजिए, शोभन से बेहतर एम्स के लिए कोई जगह नहीं हो सकती।